गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होंगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। जय श्री राम। गाइस, सुबह सुबह हमें अयोध्या से इनविटेशन आया, बहुत सारे लोग आए थे इकट्ठे होके, तो हम सबको अक्षत दे के गए हैं। इनविटेशन आया गाइस, देखो ये सारा इनविटेशन है कि हमें बुलाया है अयोध्या, और ये अक्षत है, इसमें चावल है पीले कलर के। तो बड़ी खुशी की बात है कि 500 साल बाद अयोध्या में राम जी आ रहे हैं। इससे खुशी की बड़ी बात हो ही नहीं सकती। कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई इसमें, मगर आखिर सफलता मिल ही गई, बहुत खुशी की बात है। और कल का दिन तो हमारे लिए इतिहास में लिखा जाएगा गाइस। कल अपने घर में सभी लोग दिए जलाओ, नए कपड़े पहनो, नए नए कपड़े पहनो, घर में मीठे पकवान बनाओ। तो बहुत, कल का दिन तो इतिहास में तो लिखा ही जाएगा। कल का बहुत अच्छा दिन है। हम भी अपने घर में दिए जलाएंगे, सोनिया डॉली सब 108 दिए लेके आए हैं, सजाएंगे, करेंगे घर को। कहते हैं ना, मेरी कुटिया के भाग जाग जाएंगे, राम आएंगे। गाइस बहुत अच्छा लग रहा है, अपने दिल को मैं कहती हूँ बहुत अच्छा लग रहा है। और अयोध्या मैं जाऊंगी अभी, वहां पर बहुत ज़्यादा मतलब कि लोग होंगे, तो हम जाएंगे 2-3 महीने के बाद। कंचन, हेमा, मैं, सीमा, हम लोग, सोनिया डॉली, जो भी कोई प्रोग्राम बनाएगा, हम सब। गाड़ी तो अब उन्होंने एक ट्रेन तो चला ही दी है, अब नाम नहीं पता मुझे ट्रेन का, तो जो भी होगी हम टिकटें बुक करा लेंगे। तो मैं अयोध्या जरूर जाऊंगी। जय श्री राम। जो लिफाफे में चावल के दाने थे वो हम सब ने मंदिर में रख दी है। तो बस अब घर की काम की तैयारी हो रही है। मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े लगा दिए हैं धोने के लिए। आपको पता है सर्दी में कपड़े हो ही जाते हैं, कंबल वगैरह कई चीज़ें हैं, गर्म कपड़े सूखने में भी टाइम लगता है। तो बस मशीन में अब कपड़े धुल रहे हैं। साथ साथ अभी आज राधा आएगी, तो बस उसकी तैयारी में लगी हूँ कि वो आए, सफाई करे। और राजमा हमारे पड़े हुए हैं, कल के रात के राजमा बनाए थे, कल रात को चावल नहीं बनाए थे, तो दोपहर को चावल ही बना के जल्दी से काम खत्म हो जाएगा, और रात को देखेंगे फिर क्या बनाना है। अभी अभी गली में भाई आया था, तो मैंने सब्जी ले ली, गाजर, टमाटर, गोभी, थोड़ी सी मूली वैसे ही ली है, और ये आलू की सब्जी। शाम को मिक्स वेज बनाएंगे, तो मैंने सब्जी पहले इकट्ठी कर ली है, अब इसको फ्रिज में लगा देती हूँ। और साथ साथ में कपड़े भी धुल रहे हैं। गाइज, आज मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, पता नहीं क्या बात है। लोगों को कल ठंड लग रही थी, सारे कह रहे थे ये बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, कल मुझे ठंड नहीं लग रही थी, आज मुझे बहुत ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा। पता नहीं मौसम एकदम चेंज हो गया है, तो ठंडी ठंड बढ़ती जा रही है। कह रहे लोहड़ी के बाद तो ठंड कम हो जाती है, मगर ये ठंड बढ़ रही है, ये ख़त्म हो जाए ठंड। मेरे को बिल्कुल ठंड अच्छी नहीं लगती है। मुझे उस दिन मतलब कि संदीप ने कहा मैं शिमला जा रहा हूँ, तो मम्मी आप मेरे साथ शिमला चलो, मैंने मना कर दिया। मैं कहा भाई मुझे नहीं जाना, मुझे जब ठंड होती है तो गर्मी वाली जगह पर जाना है, जब गर्मी होती है तो ठंड वाली जगह पर जाना है, मुझे नहीं जाना। वही पायल जब गई थी, पायल की भी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, ठंड ने तो बहुत बुरा हाल कर दिया इस बार। गाइस, मम्मा ने सार्थक को बोला अंदर आते से बात करनी, देखो अंदर कैसे आ रहा है। पूरा अंदर आ जाएगा। अच्छा, मैं फ्रिज हटा दूं? सब कुछ हटा दूं? सिर्फ स्कूटी पार्क अंदर करेंगे, स्कूटी अंदर करवा दूं, डबल सिक्योरिटी। ठीक है, डबल सिक्योरिटी। गाइज, आज एकादशी है, मुझे पता नहीं था। तो कल मैंने, आज जो इनविटेशन आया था अयोध्या से, तो मैंने उसमें देखा तो वो लिखा हुआ था कि द्वादशी पे है प्रोग्राम, तो मैं समझ गया एकादशी है। फिर मैंने सोनिया से ऊपर पूछा, क्योंकि अमन हमारा व्रत रखता है, तो सोनिया ने कहा भाभी जी एकादशी है, फिर चावल नहीं बनाए तो रोटी बनाई। अब मैंने मिक्स सब्जी बनाने लगी हूँ, आलू, गोभी, गाजर और मटर की मैंने धो के रख दी है। बस वो जब तक पानी अच्छे से निचड़ेगा इसका, तो जब तक मैं एक दुकान का चक्कर लगा के आती हूँ, 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद आके सब्जी बनाऊंगी। जय श्री राम का झंडा और पड़ा है? जय श्री राम का झंडा, हाँ, एक तो लगा दिया कल घर में। अच्छा, तो सार्थक कहता है फर्स्ट फ्लोर पे लगाया है ना, एक सेकंड फ्लोर पे भी लगाना है, तो आप लेके आना। तो कन्नू को कह रहा था, कन्नू तेरे पास है? कन्नू कहता है मेरे पास गाड़ी में 2 कैलेंडर पड़े हैं। अच्छा, मैंने सोचा कह रहा है कि झंडे पड़े हैं। हाँ। मैंने बोल दिया कि कन्नू के पास 2 झंडे हैं। कहता मम्मी मैंने आपको कैलेंडर बोले थे, मैं झंडा समझ बैठी, गलती हो गई ना। तो वो मांग रहा है तो आप ला दो एक। कोई बात नहीं, झंडे ला लेना, एक एक की जगह 2 झंडे ला दो, वो जो प्रोग्राम के रहने होंगे ऑफिस में पड़ा होगा झंडा। हाँ। तो मैं दुकान बढ़ा के जाऊंगा ना, अगर मैं झंडे लेता ही जाऊंगा। ठीक है, देखा अपनी मार्केट कितनी सजी है, पूरी मार्केट सजी है, पूरी मार्केट सजी है, और सबके वहाँ पर जय श्री राम के झंडे लगे हैं। वो पोस्टर देखा तो कितना बड़ा है, वो है कहाँ पर, बाहर देखा? देख कौन सा पोस्टर देख, जय श्री राम का देख। अच्छा, हाँ
और वहाँ लंगर के लिए भी टेंट लग चुका है, लंगर प्रसाद के लिए भी टेंट लगी है। और सबके गाइस देखो सारे झंडे लगे हैं, ये देखो अपना भी लगा है गाइस, अपनी दुकान के आगे भी दो लगे हुए हैं, एक यहाँ एक इस साइड, दोनों लगे हुए हैं बिल्कुल सज के। और ये देखो सारी मार्केट गाइस बिल्कुल सजा रखी है, पूरी मार्केट जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, सबने लगा रखे हैं। कई लोगों ने अपने घर के आगे गाइस झंडे भी लगा दिए और लाइटिंग भी कर ली है। ये देखो यहाँ इस घर में भी है, देखो अगले घर में भी है, कई लोगों ने यहाँ पर मतलब कि लाइटिंग कर ली है, बहुत सारे लोग हैं, जय श्री राम के झंडे लगे हैं। बस जीना भी अभी अभी अपनी शॉपिंग करके आई है, तो देखो गाइस ये लेके आई है, गर्मियों का ले आई है, सर्दियों का लोग ला रहे हैं, गर्मियों का ला रहे हैं। रुको मैं एक और चीज दिखाती हूँ, ये देखो पैंट भी लाई है ना। हाँ, पैंट लाई है, ये शर्ट कितनी लाई है ऊपर, दो टॉप लाई हूँ, एक जीन्स लाई हूँ, एक ये जैकेट लाई हूँ। अच्छा लेदर, अच्छा लेदर में लाई है जैकेट। हाँ सही लग रही ना, सुंदर है। हाँ सुंदर है, देखो इसके ऊपर तेरे पास पहले भी तो थी मम्मा, खराब हो जाती है लेदर ना, जैसा 2-3 साल ही चलती है। ये तो है। अच्छा ये चीने भी है, वो तो मैं उतार सकती है ना। अच्छा कोई भी तू टॉप डाल के, ये शॉर्ट है बड़ी है ना, मैंने शॉर्ट लिए इस बार ना। अच्छा टॉप फिर नीचे पहनना ही पड़ेगा तुझे। हाँ हाँ अच्छी लग रही है। हाँ अच्छी लग रही है, एक और टॉप भी लाइए, उनको मैं दिखाती हूँ। ये देखो चीना कपड़े बदल बदल के दिखा रही है, और ये अपना चीना को देख रहे हैं, उसको तो देखो वो तो चुबारे पे चढ़ी हुई है, कोको चढ़ी चुबारे पूछी वाजा मारे देख रही है गाइस मुझे। हाँ ये देख जरा, हाँ मैं ट्राई करती हूँ, ट्राई करके दिखा रही है, चल ठीक है। सो गाइस एक ये टॉप है, ये मैं लाई हूँ स्मॉल, और ये थोड़ा खुला आ रहा है, ये मैं मीडियम ले आई हूँ, जहाँ मेरे को एक्सल आते थे, अभी मेरे पास एक्सल टॉप पड़े हुए हैं, तो सारे खराब हो जाएंगे। लार्ज भी छोड़ो, ये मीडियम है, ये लूज आ रहा है, ये मीडियम, ये देखो कहाँ है मुझे नजर ही नहीं आ रहा। हाँ स्मॉल स्मॉल है। गाइस अब मुझे एक्स्ट्रा स्मॉल पे आना है। क्यों पायल तो एक्स्ट्रा स्मॉल पहन रही है, पायल दीदी ना मैं नहीं हो पा, क्योंकि पायल दीदी इतनी हेल्दी थी भी नहीं ना मम्मी, मतलब एक्सल थी, एक्सल से स्मॉल, मगर वो डाइट फॉलो कर रही, तेरे को तो अभी 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 की है ना तूने। हाँ जैकेट भी अच्छी है, सब अच्छी है। और मम्मी देखो मैं वाइप्स लाई हूँ दो, एक कोको पुची को कई बार काम आते हैं ना, आंख वगैरह में साफ करने, मुंह खाना खाते हैं कई बार मुंह पे लग जाता है, मैं वाइप्स लाई, रख लो एक मेरे एक आपके, ठीक है। हाँ ठीक है रख लेती हूँ। तो गाइस यहाँ मेरा चीला बन के तैयार हो चुका है, और ये सबसे बेस्ट होता है अगर तुम्हें वेट लूज करना है, तो मैंने तो इसमें ऑलिव ऑयल डलवाया मम्मा से, और एक एक तरफ बन रही है मेरी मिक्स वेज, आलू गाजर मटर गोभी, ये मेरी फेवरेट है गाइस, मेरे को जितने टाइम मर्जी खिला दो, इस जैसे इनको दाल है ना माँ चने की दाल, जितनी बार मर्जी खिला दो ऐसे ये मर्जी खिला दो, बस इसमें धनिया डाल के होगी तैयार, ठीक हो ना ना चीला। मुझे कहती टेढ़ा बनता है, टेढ़ा ही गोल गोल, मम्मी की रोटी गोल गोल, मम्मी का चीला गोल गोल, पापा का क्या होता था, पापा का प्राण था गोल गोल, नहीं कुछ और होता था, क्या क्या होता था भूल गई, ये पोयम थी, क्या कह रही मेरा प्राण गोल गोल, नहीं नहीं क्या होती है ऐसे पोयम, मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा का समझ, पापा का पैसा गोल गोल, हाँ हाँ मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा का पैसा गोल गोल। अपनी सीट पे बैठ जा आराम से, चल गोलू चीना इसको भी थोड़ा सा चीला दे दे जरा सा, खाती है वैसे कोको तो खाती है, कोको नमकीन खाती है, इसको देख खाती है तो। इधर आ, ये लो आपके लिए मैंने ये देखो ये छिलके रखे हैं बादाम, बादाम छिलके रखे हैं, हाँ ऐसे पड़े हुए थे कितने दिन से, मैंने भिगो दिए। अच्छा। अब भिगे हुए भी कोई छिलके नहीं खाता मेरे सिवा, सड़ जाएंगे पड़े पड़े, तो छिलके का खाया कौन नहीं, क्यों मैं क्यों छिलू, मतलब एक बात समझ नहीं आ रही कि बादाम पड़े हैं कोई बादाम नहीं खाता, उसके बाद भिगो दो, उसके बाद भिगो के फिर कोई उसको छिलके उतार के नहीं खाता, मतलब क्यों, संतरा संतरा है संतरे को छील के गुद्दे निकाल के दो, क्यों अब बच्चे हो क्या, बिल्कुल बच्चे हो, छोटे बच्चे हो, बिल्कुल बच्चे, काके हो, काके हो चीना, काके पूरा दिन दुकान दुकान पूरा दिन चीना चीना पूरा दिन दुकान पे बैठे रहते हैं, कुर्सी तोड़ तोड़ के आ जाते हो, कुर्सी तोड़ गया तो मैं तोड़ गया, कुर्सी तोड़ गया वो तो गुद्दा छिल दिया, मैं बादाम छिल दिया, उसमें कोई शांत थोड़ी नहीं, हर चीज में आप कुछ कुछ काम ही नहीं करते, सेब काट के दो आपको,
मतलब कोई काम आप करके, जैसे अगर मैं गोलू घर चली जाती हूँ बस एक बच्चों की रोटी बनाते हो थक जाते हो, और क्या, हाँ एक रोटी बनाने में थक जाते हो, और बस इनकी रोटी बना दे दो डाल के दो इनके इनके बर्तन साफ करो, क्यों तो ये काम मैं भी रोज करती हूँ, तो मैं भी तो करते हूँ काम, नहीं करता हूँ रोटी सब्जी ये सब सब, मैं सारा घर का काम करती हूँ, यानी मैं रोटी सब्जी मैं बनाऊं, नहीं रोटी सब्जी को कौन कह रहा है, हाँ। मतलब जो काम करने होते हैं वो भी नहीं करते, बादाम छिलने को आपको थोड़ी है, चल तू खा चिला मैं एक और बना रही हूँ, ठीक है, तो आज का ब्लॉग गाइस मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गुड नाइट टेक केयर, और ये कैप देख लो एक बार, इतनी क्यूट कैप है ना ये, क्या हो क्या लेने आये हो, इनको बच्चों को खिलाने आई हूँ, जो ये कन्नू इनके लिए लेके आया था ना, अच्छा अच्छा वो टुकड़े टुकड़े कर दिए थे ना, मैं कहा चल कोको ने रोटी कम खाई है, चल बेचारी को खिला दूं, चलो बाय कर दो फिर, एक माँ को तो कितनी वो है, मेरे बच्चे ने रोटी नहीं खाई, बैठी हुई शांति से, मेरा बच्चा रोटी ना खाए मुझे टेंशन रहती है, पूछी को केला खिला रही थी, इन्होंने आज अधूरी रोटी खाई है पता, चलो कोई नहीं, चलो बाय गाइस गुड नाइट टेक केयर, मिलते हैं आपको न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, मैंने भी करनी, बाय बाय गाइस बाय।